क्या फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे नागवंशी लोग थे? क्या फिल्मों में दिखाया जाता है वैसे कुछ लोग थे? अगर ऐसे सवाल आपके दिल में भी टिक टिक करते तो आपको इतिहास को छानना पड़ेगा। दोस्तों, नागवंशी, नाग लोग, ये नाम कहाँ से आया? ये जो लोग हैं वो कहाँ रहते थे? ये कौन से धर्म के थे? ये सभी बातें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे नागवंशी, चंद्रवंशी, सूर्यवंशी ऐसे वंश करके बहुत प्रोपेगेंडे फिल्मों के तहत फैलाए गए जो यहाँ पे दिखाए जाते हैं। घराना, तो घराना होता क्या है, ये कैसे आया, कहाँ से आया? और दोस्तों, आप अगर मेरे वीडियो देखते हो तो आपको पता है कि मैं बीच में डीप में चला जाता हूँ और डीप से कुछ ना कुछ उठा के लाता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो यहाँ पे लोग खुद को इंडिजिनस पीपल या आदिवासी लोग कहते हैं, उनका इतिहास आपको मध्यकाल में बिल्कुल मिल ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे बाकी लोगों के आक्रमण के बाद यहाँ पे मूल निवासी और आर्य लोगों में संघर्ष हुए और इस संघर्ष में एक नई परंपरा जन्म ली जो कुछ मूलवंशी लोगों के साथ मैच करती है तो कुछ आर्य लोगों के साथ मैच करती है और फिर यहाँ से एक नया दौर शुरू हुआ। लेकिन नागवंशी लोगों का मेन कंटेंट क्या था? ऐसी कौन सी बात थी जो इन लोगों में सिमिलरिटी थी, इन लोगों में साम्यता थी? और ये नागवंश के लोग क्या थे? अगर हम हमारी गोंडियन यानी आदिवासी कल्चर के साथ चले तो एक ऐसी कौम है इंडिया में या इस पृथ्वी तल पर गोंड नाम की, जिनके टोटेम होते हैं जो नेचर के कुछ प्राणी पक्षी पेड़ों के साथ वो अपना कुल बनाते हैं और उसका ही संवर्धन करना अपना कर्तव्य समझते हैं। तो ये नाग टोटेम हमारे गोंड राजाओं में भी दिखा है। अभी आप कहेंगे कि आपके गोंड राजाओं में दिखता है इसलिए आप ये कहेंगे कि नागवंशी पूरे आपके ही हैं, बिल्कुल नहीं। इसके अलावा भी बहुत इतिहासकार इसके बारे में बताते हैं। दोस्तों, दूसरी बात एक आती है कि यहाँ के मूल निवासी जो लोग हैं वो मूल निवासी लोग अपने टोटेम को लेकर चलते हैं। और बात यह आई कि हमें कुछ दौर बाद ये देखने को मिलता है कि नागवंशियों के बहुत सारे घराने भी हैं और बहुत सारे वहाँ पे प्रकार भी हमें नज़र आते हैं। लेकिन पुरातत्व विभाग की माने तो यहाँ पे हम एक देख सकते हैं कि नागों की पूजा और नागों को वंश मानकर नागों के नाम से राज्य करने वाले गोंड राजाओं का हमें उल्लेख मिलता है और वो उल्लेख इतना पुराना है कि जहाँ पे ये वेद पुराण ग्रंथ वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं था। जब YouTube पे मैंने नागवंशी के बारे में सर्च किया कि क्या लोग क्या कहते हैं, तब मुझे YouTube पे कुछ वीडियोस मिले जो किसी पुराण का हवाला देते हैं, उदाहरण देते हैं। देखिए, जब इतिहासकारों का कहना ही ये है कि 2000 साल के इधर ही उस पुराणों की रचना हुई है तो उसको पुरातन या प्राचीन नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ पे प्राचीन की आप बात करेंगे तो यहाँ पे आदिवासियों की आपको बात करनी पड़ेगी। तो ये सभी बातें अगर हम जाने तो यहाँ पे हमें यही नज़र आता है कि कुछ आक्रमणकारियों के उस दौर के बाद इस नागवंश में बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे प्रकार हुए जो ये बाकी लोग भी नागवंश को लेकर आगे बढ़ते हुए हमें नज़र आए। लेकिन इसके पहले सिर्फ टोटेमधारी राजा और टोटेमधारी ही लोग थे जो अपना वंश बढ़ा रहे थे, जैसे कि कछुआ, जैसे कि मगरमच्छ और जैसे कि तोता और बहुत ऐसे जो सृष्टि में जो प्राणी रहते हैं सभी प्राणी को अपना वंश मानकर ये अलग अलग तरीके से चलते आए हैं। बिल्कुल दोस्तों, आप जैसा समझ रहे हैं बिल्कुल, मैं विदाउट प्रूफ के बात नहीं करता। आज मैं किताब का हवाला देने वाला हूँ, उदाहरण देने वाला हूँ, वो है राजेंद्र बाबू ढोके के गोंडवाना लैंड का मानव गोंड। और इस किताब में नागवंशी शासक जो है या नाग लोग है जिसको नाग लोग कहा जाता है, वो नाग लोग किस धर्म के शासक थे और उनका संप्रदाय था वो कौन सा था, इसके बारे में विश्लेषण से जानकारी दी है जो आपके स्क्रीन पर दिखेगी और मैं आपको वो पढ़ के दिखाऊंगा जो आपको समझ में आएगा। नाग किस धर्म के अनुयायी थे? नागों के इतिहास से यह स्पष्ट होता है कि वे किस धर्म के अनुयायी थे, क्योंकि उनके द्वारा 10 अश्वमेध यज्ञ किए गए और वैदिक देवी देवताओं के मंदिर स्थापित किए गए, इसके कारण उन्हें वैदिक धर्म के अनुयायी माना जा सकता है। जैसा कि भूत नंदी ने पद्मावती पावाया में स्वर्ण बिंदु नामक शिवलिंग स्थापित करवाया, किंतु आधुनिक पुरातात्विक अन्वेषणों ने ज्ञान होता है कि प्राचीन पद्मावती बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्रों में से एक था। देखते हैं पुरातात्विक शोध प्रतिवेदन क्या कहते हैं। पहला है, शोध छात्र मोबा गर्दे ने पद्मावती उत्खनन रिपोर्ट में लिखा है पावाया पालाया, यानी पावाया ये इसको पालाया भी कहा जाता था। उत्खनन एवं अन्य अन्वेषण से यह प्रमाणित होता है कि यहाँ पर बौद्ध धर्म के स्मारकों एवं धर्मावलंबियों का भी एक प्रमुख केंद्र रहा है।
उत्खनन में मणिभद्र, यश, नागराज की मूर्ति और बुद्ध की प्रतिमा के अलावा ऐसे कई तथ्य हैं जो बौद्ध स्मारकों का बोध कराते हैं। दूसरा नंबर, शोध छात्र धीरेन्द्र शर्मा ने ग्वालियर के निकट स्थलों में बौद्ध स्मारक रिपोर्ट में लिखा है, पद्मावती से बुद्ध की प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि बुद्ध धर्म का प्रभाव अन्य स्थानों की भांति पद्मावती पर भी रहा होगा। अन्य अवशेषों में सिंह का सिर तथा स्तंभ शीर्ष जो एक और बिल्कुल सपाट है और तीन सिर और नाटेकद का एक व्यक्ति बनाया गया है। तीसरा नंबर, इतिहासज्ञ डॉक्टर के पी जायसवाल ने अंधकार युगीन भारत में लिखा है कि सारनाथ शिलालेख में वंश पर का उल्लेख आया है। वंश पर कनिष्क के शासनकाल में क्षत्रप गवर्नर बताया गया था, बाद में वनस्पर को क्षत्रप से महाक्षत्रपद मिल गया था। अंत संभव है कि इसके समय पावाया बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा हो। वनस्पर का काल 90 से 120 ईसाई तक रहा है। यहाँ की मूल बात यह है कि नागवंशी शासक किस जाति का जाति या वर्ण के थे, न कि धर्म के थे। चूंकि इतिहासकारों ने नागों को दलित शूद्र बताया है, इससे यह पुष्टि होती है कि नागवंशी भारतवर्षीय की गौण मानव जाति की संतति थे, जो आर्यों की दमन नीति के चलते यत्र तत्र बिखर गए थे। अवसर मिलने पर स्वयं को संगठित किया और राज्य सत्ता को प्राप्त किया था, किंतु उनकी एक भूल ने उन्हें राजनीतिक सत्ता से बाहर कर दिया। वो भूल थी पुरोहित के मायाजाल में फंसकर अश्वमेध यज्ञ करना। दोस्तों देखिए, बात राजेंद्र बाबू ढोके के किताब से उदाहरण लेने की बात क्यों आती है, क्योंकि इन्होंने यहाँ के मूल जो बीज है, मूल यहाँ पे उनका संशोधन यहाँ पे पहले किया। हालांकि मैंने जो बताया आर्य अनार्य संघर्ष में अभी आपको नागवंशी बिखरे हुए नजर आते हैं, लेकिन जब इसके पहले ना ही कोई उसका धर्म था, ना ही उसकी कोई जात थी, वो सिर्फ यहाँ के टोटेमधारी लोग थे और टोटेमधारी लोग सिर्फ इंडिया में या इस दुनिया में एक ही पाए जाते हैं, वो है यहाँ की गोंड जाति। और यहाँ पे पुराणों में नागवंशी लोगों को शूद्र बताने की कोशिश हुई है, तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ के मूलवंशी अनार्य लोग थे और ये आज भी कहीं ना कहीं नागवंशी अपना टोटेम लेके चल रहे हैं। हालांकि हमें नज़र आता है कि नागवंशी जो मेन लोग हैं, जो मेन कंटेंट है, उन लोगों की तरफ फोकस ना करते हुए बाकी नागवंशियों का बहुत बोलबाला हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नाग लोग भी कहीं बाहर से आए हैं। तो नाग लोग जो कहा जाता है वो लोग यहाँ के मूल निवासी हैं। चलो दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा अन्वेषण के उपरांत मत व्यक्त किया गया है, नागों का राज्य भारत के अनेक भागों में था। नाग पराक्रमी थे, जिसकी पुष्टि नागालैंड की नागा जाति से होती है। महार, मेहरा, महरा जातियों के पूर्वज नाग है। नाग शासकों ने ही नागपुर नगर बसाया था। महार जाति बड़ी संख्या में सेना में होती थी, उसके नाम पर महार बटालियन की स्थापना की गई। कालांतरण में महार जाति की बहुलता के कारण ही महाराष्ट्र का नामकरण हुआ है। देखिए दोस्तों, इस उदाहरण से आपको क्या पता चलता है कि नाग जाति जो है वो महारों के पूर्वज भी है, और जिसका अंदाजा नागालैंड के नागा लोगों से लगाया जाता है। ये जो लोग हैं ये इंडिजिनस पीपल कहे जाते हैं, और महार जाति भी इन नागवंशी लोगों से आई है, और इसलिए जो नागपुर बसाया गया है, जो बख्त बुलंद शाह गोंड आदमी था, उसने नागपुर नाग के ही नाम से बसाया था। और इसमें अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर का कहना ये भी है कि महार की बहुलता के कारण इस प्रदेश को महाराष्ट्र नाम दिया गया है। यानी दोस्तों, आप एक बात जानते हो कि इतिहास भी तर्कों के आधार पर लगाया जाता है, ना कि किसी पाखंड ग्रंथों के आधार पर। और जो पाखंड ग्रंथों के आधार पर आपको बताते हैं वो सरासर सच नहीं होता, उसमें भी कई कड़ियाँ होती है जिसको हम अपने तर्क के आधार पर जोड़ पाते हैं। और ये इतिहासकार ऐसे ही करते हैं, हर तर्क के आधार पर अपनी कड़ी जोड़ लेते हैं। तो नागवंशी जो लोग थे, एक तो हम इस बात से, इस वीडियो से क्लियर कर पाएंगे कि नागवंशी टोटेमधारी लोग यहाँ के इंडिजिनस पीपल थे, ना कि वो किसी पुराणों के द्वारा जो प्रूव होता है वो नागवंशी लोग नहीं है। वो उसके बाद उसमें सम्मिलित हुए, उनके प्रकार गढ़ते गए और आज वो उनके प्रकार चलते हैं। लेकिन असल में अगर नाग लोगों का आपको ढूंढना है, जिनको पुराणों में असुर, वेदांत, ये वो असुर वसुर कहा गया है, शूद्र कहा गया है, दलित कहा गया है, वो सभी बातें यहाँ के मूल निवासी लोगों में थी। तो आज भी मैं मानिकगढ़ किले पर गया था, परसों का वीडियो मैंने एसआर के ब्लॉग इस चैनल पर डाल दिया है, वो भी देखिए। आपके उस मानिकगढ़ किले के मुख्य द्वार पर आपको नागवंशी टोटेमधारी
राजा का चिन्ह मिलेगा, जहाँ पे नाग का चिन्ह बहुत बड़ी मात्रा में अंकित किया गया है। और बाकी गोंड राजाओं के जो नागवंशी लोग थे उनके भी किले पर नाग का टोटेम हमें नजर आता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ की अगर प्राचीन जनजाति को हम देखें तो आदिवासी यानी इंडिजिनस पीपल जो लोग थे उनका ही नाग टोटेम था। हालांकि आर्य अनार्यस संघर्ष में संस्कृति मिश्रित बन गई और कुछ संस्कृति इनमें चली गई और कुछ संस्कृति वापस इन लोगों में आ गई थी, लेकिन इतिहास की अगर माने तो नाग लोग यहाँ के आदिवासी लोग हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।